हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये उसकी सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। तो इससे पहले हम 3 पार्ट जो है आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम जैसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का एग्ज़ाम और FCI का एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इन एग्ज़ाम के साथ साथ और भी जो भी एग्ज़ाम है जैसे NFL हुआ और SSCI उसका एग्ज़ाम, तो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप हमें हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपके लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट DG ऑफ ICR। DG मीन्स डायरेक्टर जनरल। तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? दैट इज़ त्रिलोचन मोहपात्रा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो राधा मोहन सिंह कौन है हमारे? तो ये है एग्रीकल्चर मिनिस्टर और ICR के प्रेजिडेंट। ओके, ICR के प्रेजिडेंट। इसके अलावा एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं 3 एग्रीकल्चर के, कृष्णा राज, गजेंद्र सिंह शेखावत और परशोत्तम रूपाला। ओके, तो ये तीनों जो है एग्रीकल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉप्स यूज फॉर मेंटेनिंग सॉयल फर्टिलिटी आर नोन एज। तो वो क्रॉप्स जो सॉयल की जो है फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, फर्टिलिटी मीन्स जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल का वो अच्छा रहता है, तो वैसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? दैट आर रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। तो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं वो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है रिस्टोर करती हैं क्रॉप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड NPK डोज फॉर पल्स क्रॉप्स। तो पल्स क्रॉप के लिए किस रेशियो में जो है NPK जो है रिकमेंड किया जाता है? तो पल्स में किया जाता है 1:1 की रेशियो में। और अगर सीरियल्स की बात करें, सीरियल में होता है 4:1 और ऑयल सीड में 3:1, एंड जो है फॉडर क्रॉप्स की बात करें तो उनमें होता है हमारा 2:1 और 4 की रेशो। ओके, तो पल्स के लिए 1:1, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डायमंड बैग मॉथ इज़ ए पेस्ट ऑफ। तो डायमंड बैग मॉथ को अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। और किस क्रॉप का पेस्ट है ये? दैट इज़ कैबेज। तो कैबेज का मेजर पेस्ट है डायमंड बैग मॉथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये, याद रखिए इसके बारे में, इसका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड ऑल द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज। तो वो फर्टिलाइजर जो ऑल द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम प्रोवाइड करता है, उस फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं हम? That is complete fertilizer. Option B, complete fertilizer. तो straight fertilizer वो होता है जो किसी एक कोई एक न्यूट्रियट प्रोवाइड करता है। ओके, तो लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस की बात करें तो वो होते हैं जिनमें किसी भी एक जो न्यूट्रियट है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रियट है, उसके 30% से अगर कम है वो, ओके, 30% से कम है तो वो हमारा लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होगा। अगर वो 30% से ज़्यादा आया, ओके, ज़्यादा आया तो वो हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। तो एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज़ फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी होता है बैक्टीरिया की स्टडी, तो इनके नाम से ही पता चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन रिकॉर्डर और सनशाइन ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय। तो सनशाइन ड्यूरेशन कौन मेजर करता है? दैट इज कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनीमोमीटर हमें बताता है विंड की डायरेक्शन, बैरोमीटर होता है प्रेशर के लिए, और एटमोमीटर जो है मेजर करता है एवेपोरेशन फ्रॉम ए वेट सरफेस। तो ऑप्शन ए कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर इज द राइट आंसर। विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बॉल। तो इंडिया में जो है स्टेट्स हैं उनमें से एप्पल बॉल किस स्टेट को किया कहा जाता है?
तो दैट इज हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एप्पल जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंड नट इज अवॉइडेड एट। तो ग्राउंड नट में क्या होता है, जो मेजर जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्ट होता है ग्राउंड नट का, वो सॉयल के अंडर होता है, ओके, बिलो द सॉयल सरफेस होता है, तो उसे हम पैगिंग स्टेज कहते हैं। तो पैगिंग स्टेज होती है, तो इसका आंसर भी यही है, पैगिंग स्टेज। तो पैगिंग स्टेज पे इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है अवॉइड किया जाता है, क्योंकि पैगिंग स्टेज पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक पार्ट बनने के लिए जो है पैग्स हैं वो सॉयल के सरफेस में के बिलो द सरफेस चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है ग्राउंड नट बनती है, ओके। तो अगर इंटरकल्चर होगा तो वो उसे नुकसान हो सकता है और हमारा यील्ड कम हो सकता है। फैमिली ऑफ कैस्टरीज, कैस्टर की फैमिली, तो कैस्टर का पहले नाम साइंटिफिक नेम है रिसिनस कम्यूनिस, ओके। और फैमिली कौन सी है कैस्टर की, दैट इज यू फोर बी एस सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द अमोनिकल फर्टिलाइजर इज। तो नाइट्रोजन अमोनिया से नाइट्रोजन बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन। तो इसमें जो इस जो ये जो प्रोसेस है, तो वहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट मिक फॉर्म में जो है नाइट्रोजन चेंज हो जाता है फाइनली, और इसके बीच में जो है दो बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, एक तो होता है हमारा नाइट्रोसोमनास, दूसरा है नाइट्रो बैक्टर, ओके। तो ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज। तो वो फर्टिलाइजर दो तीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो है हमारा SSP, दैट इज सिंगल सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन सी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो क्या है इसका जो है क्या क्या प्रोवाइड करता है ये, पहले तो फॉस्फोरस होगा 16%, सेकेंड सल्फर 11%, एंड थर्ड वन कैल्शियम 21%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज। तो जूट की रेटिंग, रेटिंग क्या होता है, रेटिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स, तो फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो उसे हम रेटिंग कहते हैं। तो रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए जूट में, दैट इज 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 34 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोमेन ट्रैप अट्रैक्ट्स। तो जो फिरोमेन ट्रैप्स यूज किए जाते हैं इंसेक्ट्स में, तो उन्हें वो ट्रैप किसे अट्रैक्ट करते हैं, तो फिरोमोन में क्या होता है, जो हमारा केमिकल लगा होता है वो स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई होता है फीमेल मॉथ का, ओके। तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, दैट इज मेल मॉथ्स, तो ऑप्शन डी मेल मॉथ्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर हनी बी इज। तो वर्कर हनी बी क्या होती है, दैट इज स्टेराइल फीमेल, तो स्टेराइल फीमेल होती है, तो ओनली जो है एगलिंग जो है फीमेल ओनली वन होती है, दैट इज क्वीन, हनी बी की कॉलोनी में ओनली वन एगलिंग फीमेल होती है, दैट इज क्वीन, और बाकी सभी जो है फीमेल्स हैं वो स्टेराइल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कौन करता है, किसकी डेफिशिएंसी होता है, दैट इज बोरॉन की डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी बोरॉन डेफिशिएंसी। तो जो भी अगर मैंगो का ऑर्चिड अगर ब्रिक कलेंस, ओके, ब्रिक कलेंस के पास होगा, तो जहाँ से सल्फर गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो वो जो है गैसेज है वो इंक्रीज करती हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो को, ओके। तो ये होता किससे है, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। येलो वेन मोज़ेक इज ए डिसीज ऑफ। तो येलो वेन मोज़ेक एक क्या है, वायरल डिसीज है, ओके, वायरल डिसीज है ये, किसका, दैट इज ओकरा का, ओकरा का वायरल डिसीज येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव प्रिंसिपल कॉजिंग सॉर्गम पॉइजनिंग इज। तो सॉर्गम में क्या क्या होता है, कोई एक केमिकल, एक सब्सटेंस होता है जो कि आगे जाकर हाइड्रोजन जो है साइनाइड प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन साइनाइड जो है एक पॉइजन है, ओके, और ये एनिमल्स के लिए जो है हार्मफुल होगा,
तो क्या क्या मिलता है सॉर्गम में, क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज धुरीन, DHURIN, धुरीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइस वी विल बिलोंग टू द ऑर्डर, तो राइस वी विल है ये, तो वी विल हो गई हमारी, ओके okay, और बीटल्स हो गई, तो ये सभी किस ऑर्डर में आती हैं, दैट इज कोलियोप्ट्रा में, कोलियोप्ट्रा। हेमिप्ट्रा में आते हैं हमारे बग्स आ जाती हैं, वाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, तो ये ऐसे इंसेक्ट जो है सकिंग इंसेक्ट आते हैं हेमिप्ट्रा में। आइसोप्ट्रा में आता है हमारी टर्माइट, और लेपिडोप्ट्रा में बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, ओके। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटाश कंटेन व्हाट परसेंट ऑफ K2O, तो MOP जो है MOP, और इसे कहते हैं हम पोटाशियम क्लोराइड, ओके पोटाशियम क्लोराइड, तो इसमें कितने परसेंट जो है K2O होता है, दैट इज 60%। ऑप्शन बी 60% इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का एंड होता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए और भी बहुत सारा मटेरियल लेके आ रहे हैं, और जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारी वेबसाइट brainengineering.in पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में सभी वीडियोज़ के PDF भी मिलेंगे, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर एग्रीकल्चर के पार्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय।